करो का श्रीवास्तव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम प्राइम चर्चा में, जिसमें आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने कम उम्र में ही अपने मेहनत और संघर्ष के दम पर मनोरंजन की दुनिया में एक अलग ही मुकाम हासिल किया है। आज हमारे साथ एक्ट्रेस संजना मिश्रा मौजूद। स्वागत है मैम प्राइम टीवी में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं संजना मिश्रा, नमस्ते सभी को। और मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ। मैं एक बैले डांसर हूँ और धीरे धीरे अपनी एक्टिंग लाइन में भी स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जैसे कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और धीरे धीरे अपनी सारी मूवीज़ में वर्क कर रही हूँ। अभी मेरी रॉक द पार्टी आने वाली वेब सीरीज़ है जो कि, और अभी मेरी एक भोजपुरी मूवी आ रही है सैयाजी दगाबाद, और अभी मेरा एल्बम आया हुआ है पवन सिंह का, रितेश सर के साथ सारे एल्बम आए हुए हैं। वो सब कुछ आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे, आप संजना मिश्रा नाम से सर्च कर सकते हैं। हर इंसान का कोई ना कोई सपना होता है, उसे पूरा करने की लगन होती है। आपका क्या सपना है? मेरा सपना यही है कि मैं एक अच्छी आर्टिस्ट बनूं और हमारे सोसाइटी में जितने भी अच्छे आर्टिस्ट हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, बट वो टैलेंटेड है इतने कि उन्हें प्लेटफॉर्म की एक नीड होती है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इतनी अच्छी आर्टिस्ट बनूँ कि जो आर्टिस्ट टैलेंटेड है, मैं उन्हें एक बार मौका दे सकूँ। जब हम कुछ अच्छा करते हैं ज़िंदगी में तो तमाम चुनौतियाँ आती हैं। आपके सामने क्या क्या चुनौतियाँ आई? हाँ, मेरे सामने ऐसी बहुत सारी चुनौतियाँ थी जो कि मैं फेस कर रही थी, बट होता नहीं है कि एक हद तक ख़त्म हो जाता है कि नहीं यार, आप बर्दाश्त से बाहर है। फिर भी हम उसको आगे बढ़ते रहे, क्योंकि इस सबसे बड़ी प्रेरणा मेरी माँ ने मुझे दी कि कुछ भी हो आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। हर किसी का कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत होता है, आपका कौन है? जैसे कि अभी मैंने बताया, मेरी माँ ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। देखिए, माँ का एक बहुत अहम रोल होता है बेटी की ज़िंदगी में। मेरी माँ ने मुझे हर एक सपने पूरे करने में सब चीज़ों में आगे मुझे रखा है उन्होंने। अभी तक आपने मनोरंजन की दुनिया में तमाम काम किए हैं, तो कैसा सफ़र रहा आपका? बहुत अच्छा सफ़र रहा और काफ़ी मज़ा भी आया। और अब तक की जितने भी आर्टिस्टों के साथ मैंने काम किया है, उनके साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जैसे कि पवन सर के साथ मैंने फ़र्स्ट टाइम काम किया था तो बहुत मज़ा आया मुझे। वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली जो कि बहुत साल तक करने के बाद वो एक्सपीरियंस आता है सबको, बट मैंने उस पहले शूट पर बहुत कुछ सीखा था। और रितेश सर के साथ भी मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयर किए अपने, बहुत अच्छा था उनके साथ भी मेरा। अभी आपके कुछ एल्बम आने वाले हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, मेरे एल्बम्स तो अभी काफ़ी लाइनअप हैं, वो सब धीरे धीरे आ जाएंगे, बट अभी जो मेरे एल्बम आ चुके हैं वो है मेरे धंधुआ सॉन्ग, एक के बलंको को खोला, और बाकी नाचो भूला के भक्तों, बहुत सारे गाने, वो आप संजना मिश्रा नाम से सर्च करेंगे आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। आमतौर पर देखा जाता है कि लोग पंजाबी, तमिल या कोई भी लैंग्वेज बोले तो उनको पसंद किया जाता है, लेकिन अगर कोई भोजपुरी बोलता है तो उसे गवार ठहरा दिया जाता है या नकार दिया जाता है, तो इसको लेकर क्या कहेंगी? सबकी अपनी अपनी एक जगह होती है। हम कह रहे हैं हम यूपी से हैं तो हम बॉलीवुड को पसंद करते हैं, हम चेन्नई से हैं तो हम साउथ को पसंद करते हैं, अगर हम मराठी से हैं तो हम मराठी चीज़ें पसंद करते हैं। बट होता क्या है, भोजपुरी लोग, अब जहाँ बिहार की साइड अगर बात आ जाए तो वहाँ पे हम लोग बिहारी पसंद करते हैं। तो अपनी अपनी थिंकिंग होती है, अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। बहुत सारे लोग हैं जो बिहार के आर्टिस्ट हैं वो बिहार को सपोर्ट करते हैं, जो यूपी के आर्टिस्ट हैं वो बॉलीवुड को सपोर्ट करते हैं। तो अपनी अपनी लैंग्वेज ही होती है कि हाँ, हमें अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना है। बट मेरा मानना है कि भोजपुरी कुछ खराब नहीं है, अगर आप सही है तो सब कुछ सही है। फिर आने वाले समय में आप फिल्मी दुनिया के किन कलाकारों के साथ काम करना पसंद करेंगे? आने समय में मैं बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ काम करना पसंद करूंगी, और मुझे लगता है जितने भी अभी तक आर्टिस्ट होंगे मैं सबके साथ करना चाहूंगी, और खासकर जैसे बिग बी हमारे अभी अमिताभ बच्चन जी। किसे अपना क्रश मानती हैं बॉलीवुड में? बॉलीवुड में क्रश मैं मानती थी, अब वो इस दुनिया में नहीं है, सुशांत सिंह राजपूत। जैसा कि आमतौर पर माना जाता है कि भोजपुरी में सेंसर बोर्ड नहीं है तो लोग अश्लीलता फैलाते हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं भोजपुरी में, मगर अब अभी अभी देखा जाए तो अब ऐसा नहीं है, अब चीज़ें बदल रही हैं धीरे धीरे। पहले जो था वो एक अपना अलग था, बट इस टाइम अब चीज़ें बदल रही हैं, अब ऐसा नहीं है कि अश्लीलता दिखाई जाए, अब बहुत अच्छा सब हो गया है। प्राइम टीवी के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? प्राइम टीवी के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे, हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं जो भी मुझे देख रहे हो, सो प्लीज़ आप सब हमारे प्राइम टीवी को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए हमारे चैनल को।
थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ संजना मिश्रा, जो अपनी मेहनत और संघर्ष के दम पर मनोरंजन की दुनिया में एक अलग ही पहचान बनाई है। आगे फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।